सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग दोनों लोग वापस से आज गजब बेइज्जती है भाई यार, कसम से क्या टोपी बाज आदमी है। तो अभी हम लोग फिर से आ गए दोनों लोग, हमारे साथ अभय भाई हैं। तो आज का हम लोग जो रेस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख सकते हो दोनों यहाँ पे बाइक जो है, एक स्कूटी है और एक बाइक, और एक्चुअली में इसको स्कूटर कहेंगे, क्या कहेंगे यार इसको, ई रिक्शा कहेंगे। अरे स्कूटर है, स्कूटर है ना, ई रिक्शा वो होते जो खूब कटे-वटे मारते हैं। इतने मेरे को ठोकर ही मारा था एक बार यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, याद है मुझे एक्सीडेंट कराने वाला भाई, ई रिक्शा ही वाला एक्सीडेंट कराया था। तो यहाँ पे पहली बात तो भाई को सपोर्ट करो, जान लोगो जो नहीं जानते हो। अरे यार जानते हैं, पुराने व्यूअर थे, हम दोनों भाई लोग हैं और ये मेरी जान है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है और इसके लिए कभी भी कुछ भी। तो भाई देखो, सब्सक्राइब करो अभय वर्मा, बड़ा बड़ा आ रहा होगा डिस्प्ले पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और बाकी हम वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको बाइक और स्कूटी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एथर की स्कूटी है, नई वाली इलेक्ट्रिक, और वो हमारी R15M है। तो इन दोनों का कंपैरिजन बहुत लोगों ने बोला था करो, क्योंकि ड्रैग रेस चाहिए लोगों को 0 to 100 तक, मतलब 0 to 90 जितना भी आती है वो, तो 0 to और जितना ही जाती है इसकी टॉप एंड तक करो देखो। उन लोगों का कहना है कि भाई ये जीतेगी, R15 नहीं जीतेगी। तो इस बात को क्या कहते हो आप? तो आज हम लोग करके देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। पहले ये बताओ, लोगों का तो मुझे नहीं पता लेकिन आपका क्या ख्याल है? मेरा कहना है मतलब 0 to 90 ये निकल जाएगी। कौन ये एथर? मतलब ये जीतेगी R15? पैसा बेकार है, पैसा भी बेकार है, वो 2 lakh लगा है भाई, उससे भी ज्यादा भाई। ये भी है देख रहे हो, ये कितने की है? 175। अरे मैया तू तो देख लियो, 1,75,000 की भाई साहब, 1,75,000 इतने में तो यार एक कार आ जाती वो भी आल्टो 800। हाँ चल चल, तेरे बाप को मत सिखा। तो यहाँ पे इन दोनों का करने जा रहे कंपैरिजन बिना बकवास के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, फटाक से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम दोनों लोग करने जा रहे हैं एथर का R15 से रेस। तो ये रेस जो है वो ड्रैग रेस होने वाली है, मतलब कि टॉप एंड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं देखूंगा अगर जो वो आगे जाएगी तो उसको पकड़ने तक जाऊंगा, उसके बाद मैं रोक दूंगा। और चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या होने वाला है। चले रेडी। वैसे मैं तुमको थोड़ा सा तो मौका दे ही सकता हूँ, देखते हैं कितना मजा, वो बाद में देखा जाएगा, है ना। चलो अबे निकल गया यार, मतलब ही नहीं था भाई, कोई मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं था मेरे ख्याल से। बहुत पीछे रहेगी भाई वो, बहुत पीछे है वो, बहुत बहुत पीछे, बहुत। क्या हुआ? अबे यार, अबे यार मैं एक हॉर्न, मैं पहला हॉर्न दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तुम निकल जाओ फिर मैं आता हूँ, ठीक? एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि 91 ये अपनी टॉप तक की नहीं पहुँच पाई थी। हॉर्न में निकल देना, ठीक? ठीक। 1, 2 शुभम भाई 3 हॉर्न दे रहे हैं, देखते हैं कि ये अपनी टॉप स्पीड तक पहुँचती है कि नहीं। कौन से मोड पे लगी है सबसे हाई पे? एक काम करो, सुनो एक काम करो, मैं पहला हॉर्न दे रहा हूँ, ठीक है? तुम निकल जाओ फिर मैं आता हूँ, ये भी एक बार करके देखते हैं ना। तुम 1 हॉर्न में निकल लेना, हम 3 हॉर्न पे निकलेंगे। 1, 2 अब हम पकड़ते हैं उसको, देखते हैं कितना टाइम लेता है। निकले तो बहुत झापड़ है एकदम तगड़े से, देखना है कि कितने पे कहाँ पे क्या गई हो। अमेजिंग अमेजिंग,
बिकॉज यहाँ पे वो रह गई, इतना ही था उसका पिकअप। और अब उसको मैं चला के देखूंगा, क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि पावर किस लेवल का मिल रहा है। ये बहुत जल्दी इसने 91 अपनी टॉप स्पीड तक पहुंच गई थी। हाँ तो R15 तो R15 है। अरे यार अभी NS125 अभी इसका कर लेंगे, NS125। हाँ तुम ही दे दो। इनिशियल ये था, इनिशियल इसका, ये रियल था भाई। मतलब 40 तक, 40 अब गई है ये, आगे ही थी उससे, और अब ये 92 तक गई थी भाई, 92 तक। काफी गैप मेंटेन हो गया यार। अभी मैं आगे निकल गया, उनको मौका दे दिया थोड़ा सा, अब वो फिर से मेरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और अभी वो पीछे ही हैं एक्चुअल में, क्योंकि उन्होंने रोक दिया था, मौका दिया था एक हिसाब से, मैंने उनको बुला लिया था। और भाई ये देखो आगे बड़े ही आराम से आ गए, दोनों लोग बड़े ही आराम से आगे आते हुए। और मतलब कि एक हिसाब से कम अगर देखा जाए तो ठीक है, मोटर स्कूटी है स्कूटर के हिसाब से, तो एज टू कंपेयर का जो करें कि स्कूटी और इसमें, तो भाई बहुत तगड़ा इनिशियल था इसका, एक्सीलरेशन में बहुत ही बढ़िया गई थी, बहुत ही बढ़िया, तो मज़ा आ गया था। बाकी रिजल्ट तो बढ़िया है, वो देखो चाचा देख लो उधर क्या कर रहे हैं। तो इसकी जो टॉप स्पीड 92 गई थी, 92 जाके वापस आ रही थी 91 पे। तो R15 का कंपैरिजन था भी नहीं था अभी, है ना, पर हम लोग ने सोचा ड्रैग रेस करके देखते हैं कि मतलब इतनी स्पीड से ये 91 जाती है, क्या R15M को ये हरा पाएगी कि नहीं 91? मुझे लगा था कि हो सकता भाई हरा भी दे, लेकिन भी लग रहा था कि थोड़ा सा तो पंच तो है भाई। मैंने कहा था कि एथर जीत जाएगी पर नहीं जीत पाई, R15 को तो नहीं हरा पाई, लेकिन ये इतना जरूर मुझे पता है कि बाकी 160 सीसी की जितनी बाइकें हैं सबको धो देगी ये, 160 सीसी की बाइक सबको धो देगी, जैसे लाइक रेडर से करो या फिर किसी भी स्कूटी से किसी से करोगे तो सबको हरा देगी ये इनिशियल में। तो ये था रिजल्ट, और बाकी आप देख, आपने खुद देख लिया, क्योंकि हमने सोचा करते हैं, लोगों की डिमांड थी और हमने बना दिया वीडियो। बाकी आने वाले ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनते रहेंगे, ज़रूरी नहीं किसी का कंपैरिजन हो तो उससे ही वीडियो बनाए, जिसे कंपैरिजन नहीं होगा तो हम उससे भी एक बार ट्राई करेंगे ज़रूर। बाकी आने वाली वीडियो जो होंगी कुछ अलग होने वाली हैं, क्योंकि हम हमेशा रेस ही नहीं डालेंगे, आपको हमेशा बोर करते हैं, तो वैसा काम नहीं होगा, नए नए कंटेंट भी आते रहेंगे। चैनल पर बने रहिएगा, हमेशा ट्यून रहिएगा। बाकी अब आकर सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइबर मतलब कि उस पर डिस्प्ले भी आ रही, सब्सक्राइब करो दोनों भाई लोग को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, रेड से बेलून से सब्सक्राइब करो, बाय।